तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक से अध्याय दो पद संख्या दो। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये पहला दिन था। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक शत बन जाए और पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक शत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने शत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वह पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी को पक्षी उड़ाने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। ईश्वर ने कहा पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने
उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ, ये तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधे की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और ये उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानवित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तूने पृथ्वी को नींव पर रखा है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तू घाटियों में से स्रोत फूट निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को जल से तृप्त कर देता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से अपनी जीविका चला सके। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। तू सब कुछ अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी रहती है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। दूसरा पाठ, रोमियो को नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 3 से 11 तक। पाठ का मूल संदेश है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इसराइल का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1-8। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्य उदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में ये कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर पत्थर को लुढ़का कर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठा कर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गईं और ये देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं हैं। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।